चिट्ठी या लेटर ऑफ कोर्स दिया जा सकता है, लेकिन उसमें उसको डेस्क तक पहुंच के फिर कंसर्न ऑफिसर को मार खो के आगे काम बढ़ने में थोड़ा समय लगता है। पुलिस में हमें आदत पड़ गई है, हम सुन के भी काम करते हैं, लेकिन बाकी महत्वपूर्ण है। और डाउन मार्क अप मार्क एक एक महीना निकल जाएगा, तब तक पता लगेगा फाइल अभी तुझे आई नहीं मेरे पास, इस तरीके के इशू। दो तीन है चीज़ें मैं एड्रेस कर देता हूँ अभी। ट्रैफिक नहीं, ये पार्किंग के रिगार्डिंग है, इंक्रोचमेंट के रिगार्डिंग है। हमारी अप्रोच पार्टिसिपेटिव है। मैंने पहले जैसे बताया था, मेरा ध्येय या मेरा मानना है कि हम कम्युनिटी एंगेजमेंट के साथ ही काम करें। ऑफकोर्स किसी को दिक्कत, समाज के किसी अंग को दिक्कत हो रही है किसी दूसरे अंग के ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से, हम रिक्वेस्ट और प्रोसिक्यूशन दोनों ही कर रहे हैं। त्यौहार का टाइम है, हम कोशिश हमारी यही है कि सभी एकोमोडेटेड रहें। ये भी नहीं किया जा सकता कि मार्केट बंद करा दी जाए फिर पब्लिक कहाँ जाएगी। ये भी नहीं किया जा सकता कि पब्लिक सारी रोक दी जाए फिर मार्केट खुलने का कोई फायदा नहीं। तो हम सबको, मेरा काम फैसिलिटेट करने का तो नहीं है, लेकिन मेरा काम परेशानी खड़ी करना भी नहीं। मेरी कोशिश ये है कि मैं प्रोसिक्यूशन भी करूं और मैं समझाऊं भी। इसमें आपने देखा होगा, हमने दीपावली के लिए भी मैसेजेस लिखे हैं, ये भी लिखा है कि पटाखे ना बजाएं, उसके लिए अनाउंसमेंट भी चल रही है। पार्किंग और इंक्रोचमेंट रिगार्डिंग प्रोसिक्यूशन भी ऑलरेडी स्टार्टेड। इट वॉज अ वेरी वैलिड पॉइंट रेज, और पार्किंग और इंक्रोचमेंट का सभी की तरफ से कॉमन इशू है, और इस एरिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है कि पेवमेंट इंक्रोच है, बिल्कुल ठीक बात है कि कहीं जहाँ पेवमेंट नहीं है वहाँ सड़क पे ही पेवमेंट बना रखी गई। पैदल चलने वालों के लिए स्पेस बिल्कुल होना चाहिए, और एक एक जगह को घूम कर, एक एक जगह को देख कर विद ट्रैफिक, वी विल डेफिनेटली फाइंड सोल्यूशन टू ऑल दिस। ट्राई टू लिमिट सर्टेन थिंग्स ऑल्सो, जैसे वीकली मार्केट की बात हो रही थी, उसमें मैं टास्क हूँ, आई एम सीज ऑफ द मैटर और मैं ढूंढ भी रहा हूँ। लास्ट वीक मैं आया था, तभी बात हुई थी कि मंडे को एक मार्केट लगती है, उसमें हमने MCD से भी जवाब मांगा है। इंसिडेंटली नो वन ऑफिसर जो जिनके एरिया में रानी बाग आता है, MCD में है, वही है, तो उनसे अभी तक कागजों के जंगल में हो गया जवाब, वो अभी कहानी है, लेकिन जवाब निश्चित मिल जाएगा। इसका इलाज निकालेंगे, अगर वो परमिटेड मार्केट है तो फिर हम सबका वेरिफिकेशन करेंगे, चाहे हमें हर सप्ताह करना। इसके लिए मार्केट नहीं है, घर में अगर नहीं है सर, तो फिर उसका इलाज निकाल, आप उसका इलाज कर सकते हो, फिर दिल्ली पुलिस इसका इलाज कर सकते हैं। उनके पास कोई भी MCD का जो है कोई लेटर वगैरह नहीं है उनके पास, उनके पास कोई MCD का कोई मतलब नहीं है। वो कहाँ कहाँ से आते हैं, शराबे पीते हैं, असामाजिक तत्व है वो, उसमें हमारे को डर लगा रहता है कि हमारी दुकान की अपनी दुकान लगा के पीछे से हमारी दुकान ही गायब ना हो जाए। दुकान तो वही रहेगी, दुकान ही गायब हो जाए। आपसे पहले भी मीटिंग हुई थी, मीटिंग में आपको तब भी आपसे रिक्वेस्ट की गई थी, अपनी रिक्वेस्ट की जा रही है। ये जो सोम बाजार जो लग रहा है ये बहुत खतरनाक हो रहा है, और इसमें असामाजिक तत्व जो है पहले भी यहाँ 92 में बम फट चुका है, आपको पता है। उस टाइम मैं रानीबाग व्यापार मंडल का प्रधान था, मैंने आपको बताया कि इसका भी ये बात का बहुत खतरा है। आप अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत आप इधर जो है चक्कर लगा रहे हैं, जो आपने मैं सुनता रहता हूँ और देखता भी रहता हूँ कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। आप खास करके इस इलाके को बहुत ध्यान दे रहे, इलाका तो आपका बहुत बुरा है, बिना खाने कोई कम बात नहीं है, मगर आप इधर बहुत ध्यान दे रहे हैं। कृपा करके आपसे ये रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ध्यान मन करके रह, ये चौक में जो कुर्सी वाले खड़े हुए ये सारा चौक जाम कर देते हैं, उसके बाद रिक्शे वाले खड़े हो जाते हैं, रिक्शे वाले खड़े हो गए, ई रिक्शा वाले खड़े हो गए, सारा चौक को एनक्रोचमेंट कर देते हैं। आप सिविल गाड़ी में आइए, आप वो पुलिस की गाड़ी में मत आइए, वो लाल बत्ती लगी हो DCP की गाड़ी लगी, आप एक अपनी सिविल गाड़ी में आइए, आपको पता लगे। मैं तो बाइक पे भी राउंड लेता हूँ एरिया जानने के लिए, एक ही कारण मतलब एक ही जरिया नहीं है। ठीक है, आई एम सीज ऑफ द मैटर, वी ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस टू एवरीथिंग। जो भी कहा गया, मैं जैसे पहले कह रहा था, सब कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है, हम भी कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। आप लोगों के साथ ही हैं, आप लोगों के साथ चलेंगे। और जहाँ तक रही बात
थोड़ा सा गैप गैप तो नो डाउट है ही, अगर गैप नहीं होता तो फिर ऐसी मीटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप लोगों से भी सबसे रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी को जरूरत पड़े मुलाकात करने की, फोन नहीं भी करेंगे आ जाएंगे ऑफिस में, मैं बैठा हूँ तो मुलाकात हो जाती है सभी से। तो मेरे पास मतलब दिन में जो 4 घंटे 6 घंटे ऑफिस में बैठने का टाइम है, उसमें मेरा मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी आए मेरे पास, चाहे कंप्लेंट लेके आए या वैसे ही मिलने आए, मैं चेहरे में किसी को नहीं जानता, इससे पहले मुझे किसी ने नहीं देखा, तो मेरी दोस्ती दुश्मनी किसी से नहीं, सब मेरे लिए बराबर है। तो जिसे मुझसे मिलना है आए, कृपया मुलाकात करें, समय रहेगा तो आपको चाय भी जरूर पिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।